दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप, मैं हूं शनाली। इन दिनों सोशल मीडिया पर कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर की एक कविता वायरल हो रही है। ये कविता मनोज की 2019 में आई किताब मेरी फितरत है मस्ताना का हिस्सा है। इसका शीर्षक है मुझे कॉल करना। लोगों का कहना है कि मनोज की ये कविता ओरिजिनल नहीं है, यानी इसे पहले लिखा जा चुका है किसी और के द्वारा। मनोज मुंतशिर ने सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद करके अपनी किताब में लगा दिया है। पहले आप वो सोशल मीडिया पोस्ट देखिए जिसमें लोग इस कविता पर बात कर रहे हैं। अब मनोज मुंतशिर की वो कविता सुनिए। तुम कभी उदास हो, रोने का दिल करे, मुझे कॉल करना। शायद मैं तुम्हारे आंसू ना रोक पाऊं, पर तुम्हारे साथ रोऊंगा जरूर। कभी अकेलेपन से घबरा जाओ तो मुझे कॉल करना। शायद मैं तुम्हारी घबराहट ना मिटा पाऊं, पर अकेलापन बांटूंगा जरूर। कभी दुनिया बदरंग लगे तो मुझे कॉल करना। शायद मैं पूरी दुनिया में रंग ना भर पाऊं, पर ये दुआ जरूर करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो। और कभी ऐसा हो कि तुम कॉल करो और मेरी तरफ से जवाब ना आए, तो भाग के मेरे पास आ जाना, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत हो। एक्चुअली ये कविता रॉबर्ट जे लेवरी की 2007 में आई किताब लव लॉस्ट में पहली बार छपी थी। इस कविता का नाम था कॉल मी। इस किताब के लिखे जाने के पीछे एक बड़ा रोचक किस्सा है। लेवरी ने बेहद कम समय के अंतराल पर अपने बेटे और अपनी वाइफ को खो दिया था। उनकी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर था और उनकी उम्र मात्र 32 साल की ही थी। ऐसे में लेवरी को समझ नहीं आया कि इस अथाह दुख का सामना कैसे करें, उससे बाहर कैसे आएं। ऐसे में उन्होंने पोएट्री का सहारा लिया, रुख किया, लव लॉस्ट लव फाउंड नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने वो सारी बातें लिखी जो वो कहना चाहते हैं। इस चीज ने उन्हें उस दुख से बाहर निकलने में बहुत मदद तो नहीं की, मगर उन्हें उम्मीद दी कि वो इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। रॉबर्ट जे लेवरी की कविता कॉल मी आप सुन सकते हैं। इफ वन डे यू फील लाइक क्राइंग, कॉल मी। आई डोंट प्रॉमिस दैट आई विल मेक यू लाफ, बट आई कैन क्राई विद यू। इफ वन डे यू वॉन्ट टू रन अवे, डोंट बी अफ्रेड टू कॉल मी। आई डोंट प्रॉमिस टू आस्क यू टू स्टॉप, बट आई कैन रन विद यू। If one day you don't want to listen to anyone, call me. I promise to be there for you, but I also promise to remain quiet. But if one day you call and there's no answer, come fast to see me. Perhaps I need you. अब लोगों का सवाल ये है कि लेवरी ने ये कविता 2007 में ही लिख दी थी, मगर मनोज मुंतशिर की किताब मेरी फितरत है मस्ताना 2019 में वाणी प्रकाशन से छपी, और उस किताब में मनोज ने इस कविता का हिंदी वर्जन अपने नाम से छापा। कमाल की बात यह है कि मुझे कॉल करना नाम की इस कविता और रॉबर्ट जे लेवरी की कॉल मी में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप कॉल मी को गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे तो नतीजा लगभग मनोज मुंतशिर की कविता मुझे कॉल करना की शक्ल में बाहर आएगा। हमने इस बारे में मनोज मुंतशिर से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमने उन्हें कॉल किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने अपनी क्वेरी उन्हें मेल से भेजी, वहां भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने उन्हें टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप किया, मगर अब तक मनोज ने हमें इस पूरे मसले पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब इस मामले को तूल पकड़ता देख मनोज मुंतशिर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट किया है। 21 सितंबर की रात किए गए इस ट्वीट में वो लिखते हैं, 200 पन्नों की किताब और 400 फिल्मी गैर फिल्मी गाने मिलाकर सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए, इतना आलस। और लाइनें ढूंढो मेरी भी और बाकी राइटर्स की भी, फिर एक साथ फुर्सत में जवाब दूंगा, शुभरात्रि। हमने मनोज मुंतशिर के कथित साहित्यिक चोरी विवाद मसले पर उनकी किताब मेरी फितरत मस्ताना के प्रकाशन से संपर्क भी किया। वाणी प्रकाशन की अदिति माहेश्वरी को हमने कुछ सवाल भेजे। हमने उनसे पूछा कि इस मामले पर एक प्रकाशक के तौर पर आपका क्या कहना है, क्या आपकी संपादकीय दृष्टि में ये साहित्यिक चोरी का मामला है? साहित्यिक चोरी को प्रकाशित न करने या पकड़े जाने पर प्रकाशन की पॉलिसी क्या है? क्या इस बारे में उनकी मनोज मुंतशिर से कोई बात हुई, और एक प्रकाशक के तौर पर उनका अगला कदम क्या होगा? इन सवालों के जवाब में अदिति माहेश्वरी ने कहा, हम इस मामले में लेखक के आधिकारिक बयान का इंतजार करेंगे। अगर इस मैटर में आगे कोई डेवलपमेंट होती है तो हम उसे एड्रेस करेंगे। आगे इस मामले में मनोज मुंतशिर या प्रकाशक की ओर से कोई स्पष्टीकरण आता है तो हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने, मैं हूं सोनाली, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।